वाइस पठान जल्दी से एक कॉमेंट में आपका लूंगी, उसके बाद हरीश रावत जी आपका भी एक कॉमेंट में चाहूंगी। लेकिन वाइस पठान, अभी आपने सुना डॉक्टर स्वामी कितने डिटेल में उन्होंने पूरी व्याख्या की कि कोई भी आजादी बिना रिस्ट्रिक्शन के नहीं है, इट कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फिर कंफ्यूजन क्या है, क्या मैं ये कहूं कि राजनीति इस मुद्दे को हवा दे रही है? आदिति जी आप मुझे सुन रही हैं? जी जी मैं आपको सुन पा रही हूँ वारिस पठान। मैं दिख रहा हूँ आपको? नहीं मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको सुन पा रही हूँ। अभी दिख रही है, मैं दिख रहा हूँ ना मैं अभी? जी आप दिख रहे हैं। आदिति जी सबसे पहली बात तो ये है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, सब जुडिस है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी देना उचित तो नहीं है। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हिजाब हमारे रिलीजन प्रैक्टिस का एक अहम हिस्सा है। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब हमारी बेटी हिजाब पहनकर पढ़ना चाहती है तो आप उसको रोक कैसे सकते हो? 1400 साल से प्रथा चली आ रही है, हमारी बेटियां हिजाब पहनकर स्कूल में जाती थी, कोई आपत्ति नहीं थी। अब हमारे सिख भाई भी है, वो भी टर्बन पहनते हैं, पहनी, हमने तो कभी भी आपत्ति नहीं उठाई। हमारी हिंदू बहने हैं मंगलसूत्र पहनती है, सर पे तिलक लगाती है, हिंदू भाई हमारे हाथ में लाल धागा पहनकर जाते हैं स्कूल में, जाइए, हमने कभी आपत्ति नहीं जताई। तो फिर आपत्ति सिर्फ और सिर्फ हिजाब से ही क्यों थी? ये एक तरह से पैटर्न है कि मुसलमानों को किसी भी तरह हैरान करना। देखिए पहले अजान से शुरू किए, हिजाब पे आ गए, मस्जिद पे आ गए, अब मदरसों का सर्वे चालू करवा दिया। तो ये कुछ है नहीं, सिर्फ एक मुसलमानों को एक पैटर्न। अगर चालू है मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगा, जो भी फैसला होगा मानेंगे सब। नहीं नहीं लेकिन वाइस पठान यहाँ पर जो सवाल था, आपने जो बातें उठाई उस पर तो मैं डॉक्टर स्वामी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको जवाब दे पाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि हिजाब पर स्कूल को तरजीह, हिजाब और स्कूल को कनेक्ट क्यों किया जा रहा है, स्कूल सेकेंडरी क्यों बन गया इस लड़ाई में? वारिस पठान जी बोलिए, मैं बोलिए, सवाल करिए, क्या कहा? मैं कह रही हूँ इस लड़ाई में स्कूल हाशिए पर क्यों आ रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है कि लड़कियों को स्कूल के बदले मदरसा जाना पड़ेगा? मैं जा रहा हूँ। तो क्योंकि देखा ना हमने कर्नाटका में, क्योंकि देखा ना आपने, हमने सबने देशवासियों ने कर्नाटका के अंदर जहाँ कॉलेज स्कूल में बेटियों को नहीं जाने दिया जा रहा था, तो लोगों ने नहीं गए कॉलेज स्कूलों के अंदर, वो नहीं गए। कितनी लड़कियों ने कितनी बच्चियों ने एग्जाम नहीं दी, तो कहाँ से पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, बताइए। तो क्यों इसको प्रॉब्लम क्या है हिजाब से? हमारा एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन है, हमारा साफ नहीं, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो ये नहीं माना था। कुरान की आयत उसका कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो ये नहीं माना था ना, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कर्नाटका हाई कोर्ट ने नहीं माना था। हरीश रावत जी अभी जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर ठीक है आप भी तो फिर ये दावा नहीं कर सकते ना, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेट द कोर्ट डिसाइड, मैं ये कह रही हूं आपसे। हरीश रावत जी अभी आपने सुना डॉक्टर स्वामी को, उन्होंने कहा कि कोई भी आजादी बिना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नहीं आती है। जब कानून इतना क्लियर है तो फिर राजनीति हिजाब पर, और खासतौर पर जब हिजाब की ये लड़ाई इस बात पर चली जाए कि लड़कियों को मदरसा लौटना पड़ेगा। हमारा मौलिक अधिकार कहीं वो उससे टकरा रहा हो, हम अपने बोलने की आजादी को इस सीमा तक ले जाएं कि उससे राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई बात आ रही हो, तो इस संदर्भ में है। उसको ये पहनने पहनने के मामले में उनके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उसको इस मामले में लाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात जो मैं समझ पाता हूँ इस विषय में, ये एक स्कूल और वहाँ के विद्यार्थियों के बीच का मामला है। कुछ विद्यार्थी जो मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहते हैं वो जाते हैं स्कूल में, स्कूल कहता है नहीं आप जो है हिजाब पहन करके नहीं आएंगे, हमारी वर्दी में नहीं है। वो लोग कोर्ट में जाते हैं और वो मामला आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत इन डेप्थ बहस सुन रहा है इस मामले में, तो उनका जो भी निर्णय होगा वो निर्णय लोग मानेंगे, वो सुप्रीम निर्णय होगा मैं समझता हूँ। लेकिन जब हम अनावश्यक बहसों में डालते हैं, हमने माइनॉरिटीज के मसाइल में हम इतने संवेदनशील हो जा रहे हैं, या तो पक्ष में आ जा रहे हैं या विपक्ष में चले जा रहे हैं। कुछ लोग उसको माइनॉरिटी
पॉलिटिक्स का मामला बना लेते हैं, कुछ लोग उसको मेजोरिटी पॉलिटिक्स का मामला बना लेते हैं। तो ये मामले देश को कमजोर कर रहे हैं, समाज को कमजोर कर रहे हैं, हमारे हमारी देश की जो सहिष्णुता है जो हमको एक महान भारत बना सकती है उस सहिष्णुता को तार कर रहे हैं, उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे डॉक्टर स्वामी ने एक सवाल होगा, हरीश रावत जी एक सवाल होगा यहाँ पर, आपने कहा कोई से माइनॉरिटी सेंट्रिक बना रहा है, कोई से मेजॉरिटी सेंट्रिक बना रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है जब ये पूरी बहस छिड़ी हुई है तो इस बहस के मूल में क्या है, इसके केंद्र में क्या है? इस बहस के केंद्र में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स हैं, उन्हें रूल ड्राफ्ट करने की इजाजत है और ड्रेस कोड डिसाइड करने की इजाजत है। अब इसमें ना तो माइनॉरिटी का सवाल है ना मेजॉरिटी का सवाल है, वो तो राजनीति ने इसे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का सवाल बना दिया। मैं आप लोगों से एक बात पूछ सकता हूँ, जब जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको लेकर के कोर्ट में बहस चल सकती है, बातें उठ सकती हैं, तो स्कूल ने कोई ड्रेस कोड रखा है उसको कुछ नागरिक नहीं मानते हैं या कुछ बच्चे नहीं मानते हैं, वो उनके कुछ अपने दिक्कतें हैं क्योंकि उनकी एक धार्मिक रवायत बहुत दिनों से चली आई है हिजाब पहन करके बाहर जाने की, यदि उसके कारण वो कहते हैं नहीं हमारा अधिकार तो है पढ़ाई लेना, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमको इसके साथ आप पढ़ने दीजिए, स्कूल कहता नहीं हमारा ड्रेस कोड है हम आपके लिए एक्सेप्शन नहीं कर सकते, तो इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो सुप्रीम निर्णय होगा। यदि हम इस तरीके की बहसों को उलझाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कभी कभी हम जो है चैनल्स के अंदर जो अति विद्वान लोग बैठ जा रहे हैं, डॉक्टर स्वामी निश्चित तौर पर बड़े विद्वान व्यक्ति है और हमारे सोच भी जो इसमें है मैं उनको बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत होनहार बड़े विद्वान व्यक्ति है, लेकिन मेरी जो कॉमन समझ कहती है कि कुछ चीजों को स्वाभाविक रूप से डिसाइड होने देना चाहिए, जब हम उससे कुछ राजनीति कुछ माइनॉरिटी बीटिंग और इसकी तो सर ये काम तो राजनीति कर रही है ना, और कुछ जी, जताने ये काम की तो राजनीति कर रही है। देखिए जब हम ये जताने की कोशिश करते नहीं आपकी ये रवायत या आपकी ये प्रैक्टिस आपका ये परंपरा ये चीज गलत है तो फिर उसमें दूसरे लोग डिफेंड करने लगते नहीं ये सही है, तो इसमें जाने के बजाय जो है जिस स्वाभाविक तरीके से मामला उठ रहा है कोर्ट में जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करने दीजिए। वासी साहब ने बहुत ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। नहीं लेकिन यहाँ पे तारिक फतेह है जिस तरह से ये हरीश रावत जी कह रहे हैं, यहाँ पर सवाल तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी है ना, यहाँ पर उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को राइट्स दिए और दूसरी तरफ एक तरफ आप बच्चियों को हिजाब पहनाना चाहते हैं, हाँ, और एट द सेम टाइम बच्चियां पढ़ रही हैं, पढ़ना चाहती हैं क्योंकि वो दुनिया भर के दरवाजे उनके लिए खोलेगा, सोच को बड़ा बनाएगा, और फिर आप ये ब्लैकमेलिंग करते हैं कि अगर हिजाब ना पहनने दिया तो बच्चियां मदरसा चली जाएंगी, ये रवायत की बात अभी हरीश रावत जी कर रहे थे। तारिक फतेह ये रवायत है क्या? ये झूठ है जो हिंदुस्तान में थोपा जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं 1970 से पहले लफ्ज हिजाब निकाल दीजिए, कहीं हिंदुस्तान के किसी अखबार में इंग्लिश हिंदी मलयाली मराठी बंगाली किसी जगह आपकी मुझे लफ्ज बता दीजिए हिजाब। आपने मुस्लिम ब्रदरहुड यानी जमात इस्लामी का जो सियासी झंडा है इख्वान मुस्लिमीन का, उसको फ्लैग को औरतों के सर पे चढ़ा के अपना एजेंडा जो इस्लामाइजेशन का है वो कर रहे हैं कि उन औरतों के पीछे छुप के आप कर सकें, आप बता सकें बच्चों को कि ये हिंदुस्तान है, ये हमारा घर नहीं है, हम इस पे एज मुस्लिम्स ये काफिरों का मुल्क है और हम इससे जुदा होना चाहते हैं, सिवाय सेग्रीगेशन और दुश्मनी या औरतों पे कंट्रोल के और कोई नहीं। कुरान में कहीं नहीं, एक सेकंड बता दूंगा। पॉइंट है तारिक, मैं वापस आपको मंच दूंगी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए सर।